भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया के जरिए अपने एक एक वोटर तक अपनी बात पहुंचाना चाहती है। इसके लिए पार्टी प्रदेश के सभी जिलों में सोशल मीडिया एवं आईटी विभाग की संयुक्त कार्यशाला का आयोजन कर रही है और कार्यकर्ताओं को कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षित भी कर रही है। हरदा में भी भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया एवं आईटी विभाग की कार्यशाला का आयोजन किया। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया विभाग मध्य प्रदेश के संयोजक पवन दुबे ने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया। पवन दुबे ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी हर जिले में सोशल मीडिया की बैठक कर रही है। पहली बैठक हरदा में रखी गई। इस बैठक में हमने कार्यकर्ताओं को बताया कि किस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग कर पार्टी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। पवन दुबे ने बताया कि जिस तरह से कांग्रेस के लोग आए दिन आरोप लगाकर सरकार को बदनाम करते हैं, उनको तथ्यों के तहत कैसे जवाब देना है, इसका प्रशिक्षण भी हमने कार्यकर्ताओं को दिया। इसका चुनाव की दृष्टि से हम ये पूरे संखनाद, हमारा जो अभियान है संखनाद है इस कार्यक्रम का, तो हमने अभियान शुरू कर दिया चुनाव का। जिस तरीके से ये कई तरह के जो सोशल मीडिया पे आरोप प्रत्यारोप सरकार के विरुद्ध लगा रही है कमलनाथ के लोग, तो उनको जवाब कैसे हम देना है, क्योंकि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो है अनुशासनात्मक काम करते हैं, लेकिन तथ्य उनको कैसे करना है, उनको किस तरीके से उनको लोगों का जवाब देना है, इसके बारे में उनको बताया जा रहा है इसके माध्यम से। और ये आप मान के चलिए ये शंखनाद जो है ये चुनाव का शंखनाद है, जो कि 2023 में कांग्रेस को मध्य प्रदेश से मुक्त करने के लिए हम लोग चला रहे हैं।